हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ और चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एमसीक्यू एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.2 के बाद उसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है वो देखिए समझिए। इनमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर होगा, इसलिए हम इसको रफली कर रहे हैं, फेयरली नहीं कर रहे हैं जैसे अब तक करते आए हैं 2.2 एक्सरसाइज के अंदर या 2.1 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ आपको दी हुई है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस 3x-4 एंड 2x+1 बिकम इक्वल इज। इनमें से कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों के दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों एक्सप्रेशन है, ये बराबर हो जाए, वो कौन सी वैल्यू होगी। तो सिंपल आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं, सोल्व करके निकाल, मतलब अगर आप, एक तो ये तरीका होगा कि आप -3 इन दोनों में पुट करके देखिए बराबर आता है क्या, 0 इन दोनों में पुट करके देखिए बराबर आता है क्या, 5 दोनों में पुट करके देखिए बराबर आता है क्या, इसी तरह से 1 के लिए। और एक ये होगा कि इसको सोल्व करके ही देख लीजिए। सोल्व करके देखने में क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है 2.1 और 2.2 के अंदर इक्वेशंस को सोल्व करने की, तो ये भी आसानी से फिर आप सोल्व कर पाएंगे। तो इसको करें सोल्व। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस डू। तो फिर इनको आमने सामने रखते हैं दोनों ही एक्सप्रेशन को, 3x-4 इक्वल टू 2x+1। अब जो 2x है वो लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और जो ये -4 है ये लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, ट्रांसपोजिंग करेंगे। मतलब जब ट्रांसपोजिंग करते हैं तब निशान इनके बदल जाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 3x, 2x लेफ्ट में आया है तो ये माइनस का हो गया और ये -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 1+4 इज इक्वल टू 5 आ गया आपका, 3x-2x आया x इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कौन सा राइट आंसर हुआ, 5। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारा आंसर गलत तो नहीं है। अगेन 3x-4 बिल्कुल ठीक है, 2x+1 ठीक है, 2x लेफ्ट में गया निशान इसका पलट गया माइनस का हो गया, -4 राइट हैंड साइड में गया निशान इसका पलट गया प्लस का हो गया, 1+4 हुआ 5, 3x-2x हुआ x इज इक्वल टू आया 5, ये हमारा आंसर है। तो यानी कि जो राइट जो आंसर है वो हमारा सी है। तो सिंपल इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व करके हमने आज सॉल्यूशन निकाल दिया। इस तरीके से कोई भी आपको इक्वेशन मिले उसे आप सॉल्व कीजिए, जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके को समझने के बाद, और फिर आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू का। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।